तो फाइनली 1000 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं हमारे इंफ्रा न्यूज के, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पूरे सीरीज के सफर में मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ये सीरीज आगे भी हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। हालांकि कुछ दिनों से थोड़ी इरेगुलरिटी जरूर देखने मिली है हमारे अपलोड्स के अंदर, लेकिन कुछ टेक्निकल और पर्सनल इश्यूज के चलते ये चीजें हो रही है, और आगे जाकर ये चीजें सॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन इंफ्रा न्यूज आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है राजस्थान के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जहां सीएम के द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं प्रोजेक्ट्स टोटल 1410 करोड़ रुपीस के, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट हुआ है अनाउंस वो है फेज 1C ऑफ जयपुर मेट्रो। तो ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए बजट जो पूरे बजट मैंने कहा उसमें से 980 करोड़ रुपीस का, यहां पर बचा हुआ 430 करोड़ जो है वो दूसरे 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जयपुर मेट्रो फेज 1C ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि जयपुर मेट्रो फेल क्यों हुई थी, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिस रूट पर पहले मेट्रो खुली वो रूट वैसे भी इतना ज्यादा डिमांड वाला नहीं था, जिसके कारण ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जो फेज बाकी के हैं मेट्रो के जयपुर के, वो एक्चुअल में पूरे शहर को अच्छे से कनेक्ट करेंगे, जिनमें से ये भी है जिसके कनेक्ट होने के बाद में एक्चुअल में लोग यहां पर इस मेट्रो का बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये इस शहर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर इन्होंने कहा है कि वो बहुत बड़ा मेगा पुश करेंगे इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप वेपन सिस्टम्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो यहां पर 400 हवज़र्स को खरीदने का डिसीजन यहां पर लिया गया है, और इंडियन आर्मी का जो आर्टिलरी सेक्शन है वहां पर डिसीजन हुआ है 155mm x 52 कैलिबर के टोड गन सिस्टम्स को खरीदने का। यहां पर जरूरी गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि जितना हो सके उतना इंडियन सप्लाई चेन के अंदर बने हुए यहां पर चीजों को खरीदा जाए। वैसे दोस्तों ये सिस्टम्स मेजरली चाइना पाकिस्तान बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किए जाएंगे, ऑब्वियसली आप जानते हो जरूरी है। आर्मी वैसे ऑलरेडी एक टेंडर इशू कर चुकी है 360 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को खरीदने के लिए, यहां पर ये जो नए हैं वो इंडियन फर्म्स के द्वारा बनाए जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री इसके लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे गतिशक्ति इनिशिएटिव से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने वेंसडे को 6 मोर प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया है इस लिस्ट में, जहां पर 51,700 करोड़ रुपीस के टोटली प्रोजेक्ट्स है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो अभी गतिशक्ति के अंदर आ गए हैं वो हो गया है 112 और 11.53 लाख करोड़ रुपीस टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अंदर गतिशक्ति आ गए है। 56th मीटिंग हुई थी अपन नेशनल प्लानिंग ग्रुप की, जहां पर इसको इंक्लूड किया गया। वैसे दोस्तों यहां पर अगर करें डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के 45,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट है, जबकि रेलवे मिनिस्ट्री के 6,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स है। अगर आप मेरी न्यूज फॉलो करते हो तो रिसेंटली आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि गतिशक्ति के अंतर्गत अभी और प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे इंक्लूड किए जा रहे हैं, स्पेशली नेशनल लेवल के। इसके वजह से जो प्रॉपर निगरानी होती है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बेहतर होगी, इसकी वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन और डेडलाइंस जो होती है वो बेहतर तरीके से फॉलो होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के पहले फर्म से रिलेटेड, जो बनाने वाली है सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स, और यहां पर कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने थर्सडे को कहा है कि वो पहली कंपनी बन गई है देश की जिन्होंने इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो यहां पर सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस जो होते हैं वो ईवीज के अंदर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये पहले बाहर से आते थे, और साथ साथ न्यू सेमीकंडक्टर पैकेजिंग लाइन जो इनका मोहाली में है वहां पर भी काम किया जाएगा, जिसकी वजह से आने वाली जो बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देश की होने वाली है वहां पर भी बहुत मदद करेंगे। यहां पर गवर्नमेंट के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL मोहाली के साथ में वैसे इन्होंने पार्टनरशिप किया है, और ये कंपनी पुरानी है 1964 की। तो यहां पर एक बड़े इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एक प्राइवेट कंपनी ने मिलकर ये चीज गवर्नमेंट में शुरू की है। अगली दोस्तों जो खबर आई है वो है नई दिल्ली से, जहां पर मल्टीपल एजेंसीज जो न्यू दिल्ली के हैं उन्होंने कैंपेन शुरू किया है शहर के 25 मेजर रोड्स को सुधारने के लिए, और बेसिकली यहां पर अपग्रेडेशन और ब्यूटीफाई किया जाएगा इन रोड्स को परमानेंटली, और ये काइंड ऑफ G20 समिट के अंदर जो चीजें की गई थी उसको परमानेंट तरीके से करने वाली चीज के हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्लीनलीनेस की जाएगी, रोड्स एंक्रोचमेंट को हटाना हो गया, ब्यूटिफिकेशन हो गया, जिससे G20 के टाइम भी किया गया था वैसा परमानेंट करने का यहां पर काम किया जाने वाला है, और 25 स्टेजेस को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से दिल्ली से, जहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा अप्रूव किए गए हैं वॉकेबिलिटी प्लान्स फॉर एरिया अराउंड पुराना किला, प्रगति मैदान एंड दिल्ली जू। तो बेसिकली ये प्लान ऐसा है कि ट्रैफिक कंजेशंस को इन एरिया में इतना कम कर दिया जा सके या फिर रोक दिया जाए, ताकि पेडेस्ट्रियन या जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो और साइकिलिंग के द्वारा जाने वाले लोग जो है बस उनको ही इन एरियाज में अलाउ किया जा सके। यहाँ पे साथ साथ एक बहुत बड़ा काम जो किया गया है वो है मल्टी मोडल इंटीग्रेशन ऑफ प्लान्स ऑफ 3 दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर दो
रेलवे ओवर ब्रिजेस और एक रेलवे अंडर ब्रिज बनाया जाने वाला है ताकि इन एरियाज के बीच के जगहों को कनेक्ट किया जा सके। तो अगर ये सब चीजें जो है ठीक से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की जाती है तो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है ये बहुत पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनेगा। और यहाँ पर देखा गया है देश के कुछ शहरों के अंदर जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया है दुनिया में भी कि जब ऐसे पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एरियाज बनते हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पास में अच्छा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो पैसेंजर या लोगों का फुटफॉल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बिजनेसेस हो गया टूरिज्म हो गया ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या UPSIDAC जिन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हाईली स्किल्ड प्लानर को अपॉइंट करेंगे बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत जो कि झांसी के पास में होगा और यहाँ पर ये काम करेंगे इस एरिया को डेवलप करने के लिए एक विजनरी अप्रोच के साथ। तो बेसिकली मैंने ये कुछ दिन पहले खबर दी भी थी वैसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि बुंदेलखंड एरिया जो है वो भी डेवलप्ड हो क्योंकि कहीं ना कहीं पर वेस्ट यूपी ज़्यादा डेवलप हो गई है ईस्ट यूपी से तो वहाँ पर सेंट्रल और ईस्ट में भी ध्यान देना जरूरी है तो इसके लिए इंडस्ट्रियल चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश से जहाँ पर स्टेट ने कहा है कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस करने के लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे की टूरिज्म डेस्टिनेशंस के ऊपर। और यहाँ पर बेसिकली ऐसा कहा गया कि आने वाले समय में जो टूरिस्ट प्लेसेस होंगे वहाँ पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो व्हीकल्स होती है उनको पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है और प्राइवेट ऑपरेटर्स को करेंटली गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है EVs की तरह शिफ्ट होने के लिए। वर्ल्ड टूरिज्म के दिन ये इनॉग्रेशन किया गया या आप कह सकते हो इस चीज़ के बारे में बताया गया। और यहाँ पर ये जो EVs भी होंगी उनको फिर चार्ज करने के लिए 16 पावर बैकअप जैसी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट ऐसी थीम रखी गई थी यूपी के अंदर वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक बड़ा मूव है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस रिलेटेड जो है कोलकाता की हावड़ा रेलवे स्टेशन से लेकर एस्प्लेनेड के बीच में होने वाली मेट्रो। और यहाँ पर अभी काम जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ऐसा लग रहा है क्योंकि जो टिकट चेक करने वाले गेट्स होते हैं या जो AFC गेट्स बोलते हैं इनको वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं जिसके वजह से यहाँ पर जो लास्ट ही कुछ हिस्से होते हैं काम के लिए वही अब बचे ऐसा बोल सकते हैं। स्टेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड के बीच में स्ट्रेच कंप्लीट हो चुका है जिसके बीच में रेगुलर ट्रायल्स हो रहे हैं फाइनल शेप दिया जा रहा है स्टेशन को इलेक्ट्रिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन और मिसलिनियस काम किया जा रहा है जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीशन के बहुत नियर है और कभी भी हमें इनका इनॉग्रेशन होते हुए नजर आ सकता है। आज के आसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो एम मॉल पूछते हैं इज इट पॉसिबल इफ यस देन फीसिबल टू merge small villages with population less than 2000 to make them bigger villages with government constructed building better infrastructure। तो देखो कभी भी ना direct inorganic growth कभी भी अच्छा नहीं होता infrastructure के अंदर यानी for example जो है indirect growth जो है वो कभी भी अच्छा होता है। for example अगर कोई highway road बनता है तो उसके आसपास में जब development होती है तो वो sustainable होती है किसी कोई तो चीज़ होती है जो उसको टिकाए रखती है। लेकिन inorganic growth जैसे अगर कहें दो villages के बीच में government जबरदस्ती जो है residential housing बना दे government जबरदस्ती वहाँ पर commercial spaces बना दे तो वो कभी भी सस्टेन हो ही नहीं पाएगी वहाँ पर वो खाली पड़े रहेंगे। और कई एग्जांपल्स आपको वैसे भी गांव में इनके बारे में देखने मिलते हैं जहाँ पर गलत जगह पे गलत इन्वेस्टमेंट होती है तो गवर्नमेंट जो है ज़बरदस्ती इन विलेजेस को जो है मर्ज नहीं कर सकती। लेकिन अगर बात करें ही मर्जिंग की तो देश के सारे जो बड़े शहर है वो विलेजेस को मर्ज करके ही आज के डेट में बड़े शहर बने हैं और इनकी जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो पुणे के अंदर कई गांवों को मिलकर अभी जो म्युनिसिपल एरिया रिसेंटली मैप में चेंज किया गया वो पूरा एक बड़े शहर के तौर पर माना जाता है जहाँ पर कई विलेजेस को कंबाइन किया गया है। सेम चीज़ अगर मुंबई को देखें तो मुंबई का फोर्ट हो गया कुर्ला हो गया गोरेगा हो गया कांदिवली हो गया ये सब अलग अलग गांव थे इंडिविजुअली। सेम चीज़ दिल्ली कलकत्ता हर शहर के लिए डिफाइन होती है पर ये चीज़ नेचुरली हुई है। जैसे जैसे कोई भी गांव के अंदर कोई फ्यूल लगता है फ्यूल से मेरा मतलब है कोई अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है कोई वहाँ पे कॉलेज बनता है कोई ऐसी चीज़ बनती है टूरिज्म वगैरह जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा शुरू हो वहाँ पर रेजिडेंशियल डिमांड वहाँ पर कमर्शियल डिमांड वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है तब जाकर ऑटोमेटिकली गांव बड़े होकर जुड़ जुड़ कर जो है दूसरे बड़े गांव बनना शुरू होते हैं बड़े शहर बनना शुरू होते हैं। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिकली चीज़ नहीं होती। हाँ जो इम्पिटस है वो गवर्नमेंट डाल सकती है फिर चाहे वो फैक्ट्री सेटअप करना हो चाहे वो कॉलेज सेटअप करना हो चाहे वो रोड बनाना हो चाहे फिर टूरिज्म को प्रमोट करना हो वहाँ पर ऐसी चीज़ें बनानी हो जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आए बेसिकली ये करने की वजह से गाँव जो है वो बड़े बनेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़बरदस्ती कर्षक करके दो गाँवों के बीच में मर्जिंग करना बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला काम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इस बहुत बड़े माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए मदद की है जहां पर हमने 1000 इंफ्रा न्यूज एपिसोड्स को कंप्लीट कर लिया है। बाकी हमारे चैनल पे ये जो वीडियोस आपको अगर अच्छी लगती होगी तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो या आप मेंबरशिप ले सकते हो या सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी।